ध्यान से समझिए, एनसीईआरटी क्यों, एनसीईआरटी को क्यों पढ़ें, आज पहले ये विजन हो जाए क्लियर। एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, सबसे पहला यहां से निकल के आता है सुजीत सर फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके लिए एनसीईआरटी डीपली नॉलेज एनसीईआरटी आसान भाषा तथा शब्दों पे शब्दों का पकड़, अशुद्धियों को कम करना, उत्तर लेखन शैली में निरंतर बदलाव दिखना और एक पॉइंट और बोर ना होना, इसीलिए एनसीईआरटी। यही सबका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब एक एक पॉइंट को समझते कि एनसीईआरटी क्यों, सबसे पहले फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। आप किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी है। जब तक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक किसी भी हालत में रिजल्ट नहीं होगा। फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना होगा। अगर आप एनसीईआरटी का गहन अध्ययन नहीं किए तो एडवांस बुक आपके समझ में नहीं आएगा, और जब एडवांस बुक आपके समझ में नहीं आएगा तो आप हमारे जैसे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मजबूर होके लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और हमारे जैसा टीचर जो है लाखों रुपया आपसे लूट लेगा। सिंपल सा लॉजिक है, एकदम खुलेआम। अगर आपका एनसीईआरटी स्ट्रांग होगा तो आप सेल्फ स्टडी आसानी से कर लीजिएगा। अगर आपका एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है, कोई नहीं बेवकूफ बना सकता है, ना दुकानदार वाला, ना न्यूज़पेपर वाला, और ना तो आपके मित्र। सुजी सर तीनों का मतलब दुकानदार वाला, मतलब दुकानदार वाले को बोलो सर मुझे रमेश सर की बुक चाहिए, रमेश सिंह की इकोनॉमी की, वो क्या कहेगा रमेश सिंह से अच्छा लाल ले लो, सारा क्वेश्चन उसी से लड़ता है। अब वो दे क्यों रहा है, क्योंकि उसमें परसेंटेज ज्यादा उसको मिलता है, उससे ज्यादा इनकम है उस बुक में, इसलिए वो बुक छाप रहा है, वही बुक आपके ऊपर चिपका रहा है। आपका समझ नहीं आ रहा क्योंकि एनसीईआरटी आपका गोल है। न्यूज़पेपर कैसे, आप न्यूज़पेपर में बोलिए जनसत्ता का दीजिए तो सीधे बोलेगा दो दिन पहले पीछे का आता है, वो लेने से क्या फायदा, उससे बढ़िया दैनिक जागरण का ले लीजिए, प्रॉफिट उसमें है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। तीसरा, मित्र सीनियर की बात क्यों कहे सुजीत सर, इसीलिए क्योंकि मित्र कभी नहीं चाहेगा आप पास कीजिए और सीनियर कभी भी नहीं चाहेगा आपका सिलेक्शन हो जाए, वो चाहेगा हमेशा हमारे नीचे नौकर बन के दब के रहे। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी होगा, कोई दिक्कत, इसीलिए एनसीईआरटी। शायद चला गया होगा दिमाग में, क्लियर। दूसरा, डीपली नॉलेज, अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए और आने वाले टाइम में, यह बात तो क्लियर हो गया है, अगर सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट स्टडी की जरूरत नहीं है, फोकस स्टडी की जरूरत है। फोकस मतलब समझे, जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो फोकस ऐसी हो कि उसमें आग लग जाए, फोकस ऐसी हो कि उसमें आग लग जाए, तो समझो कि आने वाले टाइम में तुम टॉपर हो। अगर फोकस गया खेल खत्म है। साल दो साल तीन साल चार साल तैयारी करते रहो, रिजल्ट होगा ही नहीं, कर लो कोशिश। यानी कि अब जो है डीपली नॉलेज, और डीपली नॉलेज में जाने के लिए, डीप में जाने के लिए, गहराई में जाने के लिए आपको गोता तो लगाना होगा,
गोता लगाइएगा तभी ना, पानी के अंदर जाइएगा और गोता लगाने के लिए एनसीईआरटी को उठाना होगा। सिंपल सा लॉजिक है, आप इस बात को समझ लो पहले आसानी से। सपना देख रहे हो एसडीएम बनने का और हरकत कर रहे हो ग्रुप डी वाला, तो ना तो एसडीएम बनोगे ना ग्रुप डी बनोगे, कहीं का नहीं रहोगे, क्या सही है ना। तीसरी, आसान भाषा और शब्दों का पकड़। एनसीईआरटी से आसान भाषा आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी बुक में नहीं, खोज के देख लीजिए। एनसीईआरटी कोई ऐरू गैरू किताब नहीं है, और ऐरू गैरू नथु गैरा टाइप का इंसान इसको लिखता नहीं है। एनसीईआरटी का अगर हिस्ट्री का बुक है तो सबसे बेहतरीन प्रोफेसर, गोल्ड मेडलिस्ट, और उसमें भी किसी एक टॉपिक पे जिनकी पकड़ ऐसी हो जैसे बरगद का पेड़ धरती को पकड़ के रखता है, वैसे वैसे एक एक टॉपिक के, एक एक चैप्टर के जो महान भाव होते हैं वो सब मिलकर लिखते हैं इसको। गलत का तो सवाल ना उठता है, एक लाइन ही गलत नहीं हो सकता, ना बड़ी मात्रा ना छोटी मात्रा। जब इतनी समझ है उसके बाद भी हम एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, हमारा नसीब ही खराब है। क्लियर? कहीं गलती हो तो आराम से सब कुछ भी पूछो, दिल से पूछो, जो पूछना हो, कहीं गलत लगे तो तुरंत क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत चले। आइए नेक्स्ट है, अशुद्धियों को कम करना। आजकल हिंदी मीडियम वाले के साथ समस्या एक ये भी आ जाता है, अशुद्धि, शुद्ध जल्दी लिखने की कोशिश नहीं करते, ऐसे कंडीशन में एनसीईआरटी बेरा पार कर देगा। इसके लिए पढ़ो एनसीईआरटी, कभी गलत होगा ही नहीं, जो लिखोगे नपे तुले लिखोगे, गलत होने का संभावना ही नहीं है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, उत्तर लेखन शैली नियंत्रण बदलाव लिखना, और जब आंसर राइटिंग लिखना शुरू करोगे तो आपको ज्यों ज्यों एनसीईआरटी पढ़ते जाओगे और साथ साथ में आंसर राइटिंग लिखते जाओगे, आपको खुद एहसास होगा कि इस दिन का जो आंसर राइटिंग लिखे हैं, आज का जो पीछे लिखे थे उससे बेहतर आज है। जैसे आपके जीवन का है, जो पीछे था उससे बेहतर आज है, और आज से बेहतर कल होगा, सेम एनसीईआरटी करता। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और लिखना शुरू करोगे और यह एहसास हो जाएगा कि हर दिन आप में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, और यह बदलाव एनसीईआरटी से आएगा। हम लिख ही नहीं पा रहे हैं, लिखने बैठते हैं शब्द ही नहीं मिल पाता है, शुरू करूं कहां से समझ ही नहीं आता है, तो ये सारे का बस एक मेडिसिन है, और वो मेडिसिन है एनसीईआरटी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ऑनलाइन में जो भी देख रहे हैं, कोई अगर दिक्कत हो तो बताइए। तीसरा, कितना भी घंटा क्यों ना पढ़ लो एनसीईआरटी, कभी बोर नहीं हो सकते हो, मुझे दे दो पढ़ने के लिए, चार दिन तक पढ़ते रह जाऊंगा एनसीईआरटी, कभी बोर नहीं हो सकता हूं, आप नहीं हो सकते बोर। बस एक बार एनसीईआरटी से इश्क हो जाए। अब इश्क का मतलब क्या हुआ, इतनी बात कोई टीचर समझा दे, एनसीईआरटी में ये सब अमृत घुला हुआ है, क्या कोई बोर होगा क्या? आप बताइए, आपको अगर मैं बता दूं ये मेडिसिन, इसके अंदर अमृत है, अगर एक बूंद पी लोगे ना किसी भी हालत में, उसके बाद दुनिया में कोई बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं आएगा। क्या लगता है इसके लिए पूरा दुनिया कूद जाएगी ना, चीर फाड़ शुरू हो जाएगा ना, मौत का तांडव शुरू हो जाएगा ना, किस लिए? एक बूंद इसका पीने के लिए, क्योंकि अगर ये मैं पी लूंगा तो क्या हो जाऊंगा, जिंदगी भर के लिए अमर हो जाऊंगा। जब बताए तब ना, अगर नहीं पता है तो जहर होगा, क्यों पिए, क्या जरूरत है। इसीलिए यह चीज अगर समझ में आ जाए तो एनसीईआरटी क्या है, रामबाण है। अब यहां पे एक चीज और आपको बोलने की कोशिश करूंगा, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप एनसीईआरटी में एक महेश बनवाल सर की नाम से, उनकी होती नहीं है, उनके नाम से कॉस्मोस पब्लिकेशन का निकलता है एनसीईआरटी का, और कई ऐसे बुक है, महेशी बनवाल उनका थोड़ा पॉपुलर है, बाकी कई ऐसे बुक है जो एनसीईआरटी का कॉपी करके मार्केट में लाई हुई है, वन लाइनर टाइप के। आप ये सब बुक मत पढ़िए भगवान के लिए, ये कूड़ा है आपके जीवन के लिए और आपके सपनों के लिए, ये कूड़ा है,
लिख के रख लीजिए। आपको थेउड़ी वाली एनसीईआरटी पढ़नी है अगर पढ़ने का शौक है तो, अदरवाइज टाइम पास मत कीजिए। आपको लगता है ना आसान रास्ता, शॉर्टकट इस दुनिया में सिर्फ अनसक्सेस का रास्ता दिखाती है। शॉर्टकट कभी सक्सेस का रास्ता दिखाई नहीं है ना दिखाएगी, आप ये बात समझ लीजिए। क्लियर? यहां तक कोई समस्या? अब आइए आगे चलें, इसके दूसरे स्टेप पे चलते हैं। एक बार पहले समझ में आ जाए ना, उसके बाद तो शुरू ही हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, जब एनसीईआरटी का ही चल रहा है तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। चले आइए, अब दूसरा स्टेप जो है हमारा एनसीईआरटी में, अब हम अपने साइड आते हैं। हम एनसीईआरटी में आपको कराएं क्यों? क्योंकि ये भी जानना बेहद जरूरी है, स्टार्टिंग में बोल दिया जाए ताकि बाद में ये ना हो कि ये आप कराते क्यों नहीं है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मंडे से संडे क्लास है, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, तब आप एडमिशन करवाइए मेरे यहां। मंडे से संडे क्लास है, डेली क्लास है, सातों दिन क्लास आपका रहेगा, मतलब समझे, मंडे से जो शुरू होगा संडे तक चलेगा, फिर तो उस मंडे आ ही जाएगा अगले दिन। यानी ये साइकिल जो है वो क्या 360 डिग्री पे घूमते रहेगा, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं लेगा, कोई तीज नहीं, कोई त्योहार नहीं। आपको जो छुट्टी देंगे भी ना, आपको यकीन के साथ मेरा विश्वास कीजिए, छुट्टी बस इंटरव्यू जिस दिन लेंगे ना उसी दिन छुट्टी रहेगा। 68 का जो इंटरव्यू का जिस दिन डेट रखा जाएगा पैनल में, उस दिन आपका छुट्टी रहेगा, बाकी छुट्टी कहीं नहीं। और वो भी क्या है, बस यही 10-12 तारीख तक का इंटरव्यू है, 15 तारीख मोटा मोटी रख लीजिए, उसके बाद आपका कंटिन्यू चलेगा। क्लियर? यानी कि अगर कहा जाए तो मंडे से संडे तक डेली क्लासेस है, कोई दिक्कत? दूसरी बात, डेली टेस्ट है, MCQ, डेली टेस्ट का मतलब समझे या समझाऊं? डेली टेस्ट का मतलब है कि जैसे पढ़ा रहा हूं कोई भी टॉपिक, यहां आपका जो क्लास चलेगा हिस्ट्री का चलेगा, पहले राउंड में जो क्लास चलेगा आपको वो मैं बता दूं, पहले राउंड में जो क्लास चलेगा वो चलेगा हिस्ट्री का, दूसरा साइंस का, और तीसरा पॉलिटी का। वीक में ये 3 क्लास चलेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? 3 टीचर फिलहाल में क्या करेंगे, मिलकर पढ़ाना शुरू करेंगे, फिर जैसे जैसे खत्म होता जाएगा दूसरा टीचर इसमें बदलते चले जाएंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब डेली टेस्ट होगा, इसमें क्या मान लीजिए साइंस को उठाए, अगर साइंस का एक टॉपिक फिनिश हो गया, या फिर हिस्ट्री का एक टॉपिक फिनिश हो गया, या फिर पॉलिटी का एक टॉपिक फिनिश हो गया, क्लियर है? मान लीजिए कि प्रधानमंत्री कंप्लीट हो गया, तो प्रधानमंत्री से या संसद से मान लीजिए जितना भी MCQ बनता है वो सारा का सारा आपके पास जाएगा। सारा का सारा NCERT आपके पास जाएगा MCQ में, और आपको सॉल्व करना होगा, और डिस्कशन यहीं से टीचर करेंगे। डेली 15 मिनट का रहेगा, ये डेली 15 मिनट रहेगा, जिसमें आपका 10 मिनट के लिए 10 क्वेश्चन रहेगा जिसका टेस्ट रहेगा, और 5 मिनट में उसका पूरा डिस्कशन करेंगे टीचर सामने आकर, 5 से 10 मिनट में इस तरीके से। लेकिन ये तब टेस्ट होगा जब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत? उसका दूसरा डेली आंसर राइटिंग होगा,
एंसर राइटिंग, जो पढ़ाएंगे टॉपिक खत्म हो जाएगा, एंसर राइटिंग भी सिखाना शुरू डेली। लिखिए दिखाइए, लिखिए दिखाइए, लिखिए दिखाइए। कोई दिक्कत? पक्का? आइए नेक्स्ट। वीकली जीडी, सारे लोग समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत किन्हीं को? आपको जीडी, वीकली जीडी, वीकली जीडी का मतलब क्या है? एक दिन रहेगा और वो दिन जो रहेगा शुक्रवार रहेगा, सब में, सारे सीजन में शुक्रवार को होता है, चाहे पीटी हो, मेंस हो, या फिर एसे हो, ऑप्शनल हो, या फिर एनसीईआरटी हो, शुक्रवार को जीडी रहेगा, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में जो चीज हम आपको पढ़ा दिए, अब मैं यहां से खड़ा करूं, श्वेता निकलो, आओ यहां पे, आएगी, दो मिनट कोई टॉपिक देंगे, वो टॉपिक पे यहां से सामने, जैसे मैं सामने हूं, मैं यहां खड़ा रहूंगा, वो सामने खड़ा रहेंगे और वहां पे चर्चा करेंगे, सामने कैमरा में कैद होगा। अब यहां से सीमा को बुला लेंगे, आओ सीमा इधर आओ, यहां आएगी, आके यहां से बोलना शुरू कर देंगे। क्लियर है? वैसे ही यहां से अमित जी, अमित जी इधर आइए, अरे मजाक कर रहे भाई, अमित जी यहां आइए, यहां आएंगे बोलना शुरू कर देंगे। वैसे ही आपको बुलाएंगे, आप यहां आइए, आप यहां आके शुरू कर दीजिएगा। दो दो मिनट आपको कोई ना कोई टॉपिक पे आपको बोलना होता, कि कॉन्फिडेंस समाप्त हो जाए, ये इसमें चलेगा, बोलना ही है सबको बोलना। क्लियर है? उसके बाद फाइनली 6 मंथ्स में फिनिश हो जाएगा एनसीईआरटी। उसके बाद जब आपका पूरा फिनिश हो जाएगा और यह एहसास हो जाएगा कि सुजीत सर मजा आ गया, तो तुरंत आपको एडवांस में उतार देंगे। जो एडवांस में चल रहा है मॉर्निंग बैच में पीटी मेंस और ऐसे, उस सब बैच में आप लोग को ले जाकर छोड़ देंगे। यहां फिनिश हो जाएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद उसमें ले जाकर रख देंगे। ये पूरा का पूरा खाका जो है, हम ऐसे ही काम करेंगे। कोई दिक्कत? कोई समस्या? चले, अब जो भी टीचर आएंगे, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाने आ रहा हूं, तो सबसे पहले सिलेबस यहां लिखेंगे, बच्चा लिखेगा कॉपी में सिलेबस, सिलेबस लिखाइए सब, अब लिख लीजिए ना, हाँ ले लीजिए, लीजिए फोटो ले लो, सब ले लो। ऐसे भी ये वीडियो YouTube पे रहेगा, हाँ YouTube पे डालेंगे इसको, कुछ कुछ वीडियो जो है YouTube पे डालते भी जाएंगे, बहुत कम, लेकिन क्लियर है? आगे चले, मिटा इसको, आइए आइए। अब क्लास कैसे रहेगा आपका, ये मैटर है। क्लास आपका जैसे घड़ी में 5 बजेगा क्लास शुरू हो जाएगा, जैसे घड़ी में 7 बजेगा क्लास फिनिश हो जाएगा। ये तो कंफर्म है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, हो सकता 7:30 भी बज जाए कभी, हो सकता 8 भी बजे, कोई अच्छी टॉपिक रहे तो 8 भी बजा देंगे। और ये अभी स्टार्टिंग में 5 से 7 है, पहले बता रहा हूं, स्टार्टिंग में 5 से 7 है, ये 8 भी चला जाएगा, 8 भी चला नहीं जाएगा, 8 चला ही जाएगा आगे चल के। जैसे ही ठंडा गिरना शुरू होगा लास्ट में, उसके बाद ये 8 भाग जाएगा आपका। इसमें क्या रहेगा, 1.5-1.5 घंटे का स्लॉट रहेगा, अभी तो 1-1 घंटे का, लेकिन 1.5-1.5 घंटे का,
डेढ़ घंटे का स्लॉट होगा। अगर डेढ़ घंटे यहां साइंस चल रहा है तो डेढ़ घंटे, इसके बाद बीच में जो है 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। 10 मिनट के ब्रेक में फ्रेश हो लीजिए, टीचर चेंज हो जाएंगे और आगे चल के फिर शुरू होगा पॉलिटी या फिर हिस्ट्री या फिर साइंस। सारा का सारा शेड्यूल आपको दे देंगे यहां भी, और ये शेड्यूल कल आपके जारी हो जाएगा कि कैसे कैसे कौन से दिन कौन से टीचर का रहेगा। पूरा बैठ के तैयार कर लें, क्योंकि सारे टीचर व्यस्त रहते हैं, उनका टाइम शेड्यूल सब चेक कर लेना, कौन 5 बजे से रहेंगे, कौन 7 बजे, 6 बजे से रहेंगे, 6:30 से रहेंगे। क्लियर है? ये पूरा इस तरीके से चलेंगे। एक टीचर पूरा का पूरा 2 घंटा नहीं पढ़ाएंगे, इसमें 2 टीचर को उतरना ही उतरना है किसी भी हालत में, ताकि वो भी एनर्जेटिक रहे और आप लोग को भी थोड़ा फ्लेवर बदलता रहे। इस तरीके से पूरा खाका तैयार कीजिए। दूसरी बात है, कुछ चीजें आपको लिखवाएंगे जो आप लिख लीजिएगा, कुछ चीजें जो है नोट्स में लिखा लिखा है आपको देंगे पूरा प्रिंटेड। क्लियर? यहां जो भी टीचर पढ़ाएंगे मैपिंग के साथ पढ़ाएंगे, मैप उनको यूज यहां से करना ही करना, यहां से मैप लेना है, मैप यहां डालना हो और मैपिंग के थ्रू ही आपको पढ़ाएंगे सारा चीज, बिना मैपिंग का कुछ नहीं। अब ये कहिए कि सुइसर साइंस भी मैपिंग से होगा, नहीं, साइंस में मैपिंग क्या होता, लेकिन बाकी सब जैसे ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, है ना, इस सबको बाय मैप के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? चलिए, और कुछ अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ और मन में अगर चल रहा हो तो पूछ लीजिए हमसे। और कुछ डाउट है? पूरा क्लियर हो गया? रिविजन है क्या है, कैसे करेंगे, किस तरीके से हमारा काम चलेगा, वो सब कुछ क्लियर? अब यानी कि अब आइए और पढ़ाना शुरू कर दें। पूरा विजन क्लियर हो गया ना? कुछ अगर कहीं डाउट हो तो आप उसे पूछे, कुछ लगे कि हाँ, आप लोग हमेशा फीडबैक देते रहिएगा सारे लोग, ताकि हम इसको और बेटर कर सकें। जितना बेटर हो सके हमसे, हम कोशिश करें कि इसको और बेटर कर सकें। क्लियर है? तो आज की क्लास को यहीं पे विराम दे देते हैं, ये पूरा का पूरा हो गया। अब कल से जो है प्रॉपरली जो भी टीचर रहेंगे वो उनको आप देख लीजिएगा। आप अभी जाइएगा ना सब लोग यहां ग्रुप, एक मिनट, यहां ग्रुप पहले बनवाइएगा, ठीक है ना? अभी आप मैसेज अमित जी करेंगे मोबाइल पे, फिर से सुइसर ग्रुप में जोड़िए, सारे लोग को ग्रुप में जोड़ देंगे, आपको ऑफलाइन वाले ग्रुप में, अमित जी को और बाकी जो 2-3 लोग हैं उन सबको उठा के किसमें डाल देना है। ऑनलाइन ग्रुप में एनसीईआरटी का एक अलग बैच रहेगा, उसमें आप लोग रखिएगा। और आपसे हार्टली रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जिस ग्रुप में आपको हम जोड़ेंगे आप उसका मैसेज जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि उसी में टेस्ट भी जाएगा, उसी में पीडीएफ भी जाएगा, और उसी में किस दिन कौन सा क्लास होगा वो भी जाएगा, और उसी में बता दिया जाएगा कल क्लास है या नहीं है, ताकि आप दूर से आने